अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं गवर्नर हाउस में आईटी के टेस्ट जारी हैं और आईटी के टेस्ट जो है मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन रोल नंबर 4 लाख के करीब टेस्ट हो चुके हैं 8 अगस्त तक। यानी कि पहले पहले जो हमारा टेस्ट हुआ था 16 जुलाई को, उसके बाद ये टेस्ट चलते आ रहे हैं अभी। यानी कि रोल नंबर जो है वो 4 लाख तक आगे पहुँचा है। 30,000 यानी कि कैंडिडेट्स जो हैं वो पहली शिफ्ट में टेस्ट दे रहे हैं। सुबह शाम की शिफ्ट होती है, सुबह वाली शिफ्ट में भी 30,000 और शाम वाली शिफ्ट में भी 30,000 कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं। और अभी हमारे पास जो यानी कि 9 अगस्त को जिन कैंडिडेट्स के टेस्ट हैं, 4,15,000 सीरियल से लेकर 4,45,000 सीरियल होंगे 9 अगस्त को, 9 अगस्त की शाम को 6 बजे। और जो आखिरी शिफ्ट है रात को 9 बजे वाली, उसमें 4,45,000 से आगे यानी कि 30,000 कैंडिडेट्स का टेस्ट होगा। 4,45,000 से लेकर 4,70,000 आई थिंक। तो जैसे जैसे ये टेस्ट होते जा रहे हैं और रिजल्ट भी इनके आने हैं, और जाहिर सी बात है इसमें जो टेस्ट बच्चे दे रहे हैं हमारे, उसमें काफ़ी सारे जो टेस्ट क्लियर करेंगे वो सिलेक्ट भी होंगे कोर्सेज के लिए। और हमारी दुआएं भी आप लोगों के साथ हैं इंशाल्लाह कि हमारे जो कैंडिडेट्स टेस्ट दे रहे हैं इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे। जिन जिन दोस्तों के टेस्ट अभी आने हैं 9 अगस्त के बाद, जिन जिन दोस्तों के टेस्ट हैं 4,70,000 के बाद जिनके सीरियल्स हैं, उनके टेस्ट 9 अगस्त के बाद होंगे। एजुकेशन ईमेल की तरफ से उनको भी एक मेल आएगी, और उन दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी मेल को एक्टिव रखें, अपने मेल को रिफ्रेश करते रहें, और अपनी ईमेल के जो जंक फोल्डर्स हैं या हम स्पाम फोल्डर्स के लिए वो चेक करते रहें। ईमेल किसी भी वक्त आ सकती है। और जो जो बच्चे हमारे टेस्ट दे कर आए हैं उनसे हमने काफ़ी हमारे यानी कि पेपर्स वगैरह हमें रिसीव हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो रिपीट होते आ रहे हैं, यानी कि शुरू में जो 16 जुलाई को टेस्ट हुआ था उससे मिलते जुलते काफ़ी सवाल नेक्स्ट पेपर्स में, यानी कि काफ़ी सवाल मिलते जुलते रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे थे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो जो न्यू क्वेश्चन आए थे वो उनको हमने सॉल्व करने की कोशिश की। और अभी जो टेस्ट आ रहे हैं और उनको देखते हुए रिपीटेड क्वेश्चन वगैरह इतने ख़ास नहीं आ रहे। बकाया जो टेस्ट अभी जो भी हो रहे हैं वो काफ़ी टिपिकल हो रहे हैं। इनमें मैथमेटिक्स के काफ़ी सवाल आ रहे हैं, IQ के काफ़ी सवाल आ रहे हैं। और जो टेस्ट हमें 16 जुलाई को जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था, आज इंशाल्लाह उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो पेपर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एज इट इज़ जैसा पेपर आया था वैसा आपकी स्क्रीन पर हमारे सामने होगा इंशाल्लाह, और क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों के जो हमारे नेक्स्ट पेपर्स वगैरह जिनके रहते हैं, जिन जिन दोस्तों के रहते हैं, वो आसानी से सॉल्व करें। और कोशिश करेंगे जो शुरू में टेस्ट हुए थे उन सब के पास्ट पेपर्स आप देखें इंशाल्लाह। या तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कहीं से पेपर अगर मिल जाए तो वो सारे पास्ट पेपर्स अपनी वीडियो में अपलोड करूँ, ताकि आप लोगों को टेस्ट में बिल्कुल ही आसानी हो जाए कि किस तरह का पैटर्न आता है। तो 9 अगस्त के बाद जिन जिन दोस्तों के टेस्ट हैं उनसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोज़ देखें, और हमारी वीडियोस को देख के समझें, और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपकी यानी कि आसानी के लिए हवाले से हम वीडियो बनाएं। और जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिख दिया करें, ताकि उन सब्जेक्ट को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करें। बाकी जो टेस्ट हैं वो हमारे उस टेस्ट का पैटर्न ये होता है कि एक ऊपर सवाल दिया होता है, उसके नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं, और उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना होता है। और जो यानी कि सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, चूज़ द सिमिलर फ्रॉम द फॉलोइंग, चूज़ द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग, इस टाइप के सवाल आते हैं। इसमें थोड़ा दिमाग की ज़रूरत होती है, हाजिर दिमागी की ज़रूरत होती है। तो आइए हम चलते हैं हमारे जो क्वेश्चंस पेपर हमारी स्क्रीन के सामने है,
उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है, मार्स इज समटाइम्स कॉल्ड द रेड प्लैनेट डैश ऑफ रस्टी आयरन एंड ग्राउंड। इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, फॉर आएगा, बिकॉज, ड्यू या कंटेन। हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो सबसे ज़्यादा मैचिंग करता हो स्टेज में। तो मार्स इज समटाइम कॉल्ड द रेड प्लैनेट, फॉर ऑफ, फॉर कभी ऑफ के साथ आ ही नहीं सकता। उसके बाद हम देखते हैं, मार्स इज समटाइम्स कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ रस्टी आयरन इन द ग्राउंड। मार्स इज समटाइम कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ रस्टी आयरन इन द ग्राउंड। बिकॉज कुछ ना कुछ यानी कि मैच हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं, मार्स इज समटाइम्स कॉल्ड द रेड प्लैनेट ड्यू ऑफ रस्टी। ड्यू ऑफ मैच बिल्कुल नहीं कर रहा। मार्स इज समटाइम कॉल्ड द रेड प्लैनेट कंटेन ऑफ, ये भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बी ऑप्शन हमारे पास है बिकॉज, वो कुछ ना कुछ मैच कर रहा है, बाकी तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर वन है, मार्स इज समटाइम कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ रस्टी आयरन इन द ग्राउंड। ऑप्शन नंबर बी बिकॉज इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है, कराकोरम इज द डैश प्रोटेक्टेड एरिया इन पाकिस्तान कवरिंग ओवर 10,557 किलोमीटर इन द सेंट्रल कराकोरम माउंटेन रेंज। इसमें हम सबसे जो करेक्ट, सबसे 100% जो मैचिंग करेगा वो ही हम सिलेक्ट करेंगे। कराकोरम इज द लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया इन पाकिस्तान, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। कराकोरम इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन पाकिस्तान, ज़बरदस्त। ये जो ऑप्शन नंबर बी है हमें बिल्कुल 100% यानी कि करेक्ट लग रहा है। उसके बाद हम देखें, कराकोरम इज द बिग प्रोटेक्ट, बिग तो बिल्कुल ही नहीं लगे, बिगेस्ट अगर होता तो कुछ ना कुछ, अगर यहाँ पर बिगेस्ट होता तो कुछ ना कुछ। उसके बाद देखते हैं, कराकोरम इज द बिगर प्रोटेक्ट, इसका मतलब ये है कि जो सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास है लार्जेस्ट, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थ्री है, आई ऑलवेज प्रीफर टू रीड द डैश द स्कूल लाइब्रेरी। आई ऑलवेज प्रीफर टू रीड डू द स्कूल लाइब्रेरी, टू द स्कूल लाइब्रेरी, इन द स्कूल लाइब्रेरी या इन टू द स्कूल लाइब्रेरी। हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी एंड डी है उसमें से कुछ ना, दोनों ये मैच कर रहे हैं यहाँ पर। आई ऑलवेज प्रीफर टू रीड इन द स्कूल लाइब्रेरी, ये भी सही है। आई ऑलवेज प्रीफर टू रीड इन टू द स्कूल, ये मैच कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है उसमें बड़ा फर्क है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी है, आई ऑलवेज प्रीफर टू रीड इन द स्कूल लाइब्रेरी, ये यानी कि हमारे पास ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, द रेड स्पॉट इज द लार्जेस्ट। क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास है, द रेड स्पॉट इज द लार्जेस्ट नॉन स्टॉर्म इन द सोलर सिस्टम विथ डायमीटर ऑफ 15,400 माइल्स। इट इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ एंटायर अर्थ एंड 1/6 द डायमीटर ऑफ जुपिटर इटसेल्फ। इसमें हमारे पास ऑप्शन है ट्वाइस, डबल, ड्यू या टू। इसमें जो हमारे ऑप्शन नंबर ए और बी है दोनों मैच कर रहे हैं, इन दोनों में हमें कोई एक सिलेक्ट करना होगा। ऑलमोस्ट के बाद ट्वाइस द साइज ऑफ एंटायर अर्थ, ये भी सही लग रहा है। डबल द साइज ऑफ एंटायर अर्थ, ये भी सही लग रहा है। अब हमें एक सिलेक्ट करना होगा, इसका मतलब ये डबल द साइज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे पास, फ्री पार्किंग इज डैश फॉर ऑल एम्प्लॉयज एट द गवर्नर हाउस। फ्री पार्किंग इज मेड फॉर ऑल एम्प्लॉयज, ये भी मैच कर रहा है। फ्री पार्किंग इज देयर फॉर ऑल एम्प्लॉयज, ये भी कुछ ना कुछ मैच कर रहा है। फ्री पार्किंग इज टू, ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। और अवेलेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, ये भी मैच कर रहा है। इसका मतलब है अवेलेबल यानी मौजूद है, गवर्नर हाउस में फ्री पार्किंग सबके लिए मौजूद है और सबके लिए बनाई है मेड, ये भी सही है। इसके लिए हम जो है वो ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करेंगे, अवेलेबल। अच्छा, यहाँ पर हमने पांच सवाल हल किए और
और सवाल हमारे पास हैं, लेकिन वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए हम बकाया जो सवाल आते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हल करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखिए, बाकी सवाल उसमें इंशाल्लाह मैं ज़रूर मेंशन करके हल करेंगे हम लोग। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।